जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवती माँ महालक्ष्मी का पूजन। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है ये व्रत और इसका पूजन। इस दिन होती है राधा अष्टमी और माँ महालक्ष्मी का पूजन। राधा स्वयं माँ महालक्ष्मी है, इस कारण से भी महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह पूजन 16 दिनों तक चलता है। व्रत यह अनुष्ठान 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत को माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विवाहित महिलाएं अपने परिवार में अवश्य करती हैं और इसमें 16 गांठ लगा करके एक धागा भी 16 दिनों तक बांधा जाता है। जी हाँ मित्रों, आइए इस विषय पर थोड़ा और विचार करें। इस दिन जिस दिन यह व्रत होता है उस दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान इत्यादि करें और स्नान करने के बाद में पूजा का संकल्प करें, व्रत का संकल्प करें कि हे माँ महालक्ष्मी, आप हमारे परिवार में, हमारे परिवार के सभी मनुष्यों के ऊपर, परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर, परिवार के जितने भी हमारे सदस्य हैं, हमारा जो व्यापार है सभी के ऊपर अपनी मंगल कृपा बना करके रखें और माता महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए संकल्प करते हैं। प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं, लाल वस्त्रों को धारण करते हैं, पीत वस्त्रों को धारण करते हैं। सौभाग्यवती महिलाएं लाल और पीले वस्त्रों को धारण करें। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं ये भी लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए सफ़ेद वस्त्रों का धारण करती हैं, क्योंकि भगवती सफ़ेद पुष्प पर भी विराजमान होती हैं, लाल पुष्प पर भी विराजमान होती हैं, इसलिए वह उनका आसन है। इसके बाद में संकल्प करते हैं। संकल्प करने के बाद में एक पट्टे के ऊपर लाल रेशमी कपड़ा बिछाते हैं, उस पर भगवान गणेश और अंबिका को स्थापित करते हैं। इसके बाद में 16 गांठ लगा करके कच्चे सूत के धागे से 16 गांठ लगा करके एक गंठा बनाया जाता है। उस गंठे को हल्दी से रंग दिया जाता है और उसको भी वहीं पर महालक्ष्मी का जहां पे पूजन होता है वहीं पे उसको भी स्थापित किया जाता है। मित्रों, कहीं कहीं पर माताएँ मिट्टी के हाथी की भी पूजा करती हैं और उस हाथी से, क्योंकि हाथी भी महालक्ष्मी का प्रतीक है, इस वजह से हाथी की भी पूजा की जाती है। मित्रों, एक कटोरी में पंचमेवा रख करके और मिठाई रख करके माँ महालक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। सुबह और शाम दोनों समय माँ महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनको लाल कमल का पुष्प, पीत कमल का पुष्प, इस तरह से सफ़ेद कमल का पुष्प ये अर्पण किए जाते हैं माँ महालक्ष्मी को और माँ महालक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा करती हैं। तो ये हुई किस तरह से हमको करनी है माँ महालक्ष्मी की पूजा, ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसकी कथा विधि को बताता हूँ कि इसकी कथा क्या है। एक ब्राह्मण था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, विष्णु की रोज पूजा किया करता था। भगवान प्रसन्न होकर के और बोले कि ब्राह्मण, तुम कुछ मेरे से वरदान मांग लो, जो चाहते हो वह बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में माँ महालक्ष्मी की कृपा हो जाए। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे यहाँ पर जो रोज़ गोबर पाथने के लिए आती है, उपले बनाने के लिए आती है, कंडे बनाने के लिए आती है, गाय के गोबर को उठा करके उसके कंडे बनाती है, वह स्त्री और कोई नहीं है, वह साक्षात माँ महालक्ष्मी है। तुम जब वो कंडे पाथने के बाद, उपले पाथने के बाद में जाने लगे तो तुम उनको अपने घर ले जाना और इस तरह से माँ महालक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर निसंदेह होगी। ब्राह्मण प्रातःकाल होकर के निवृत्त होकर के स्नान संध्या वंदन से और उस स्त्री का चिंतन करने लगा, ध्यान करने लगा। होता क्या है, स्त्री आती है, उपले पाथने के बाद में जाने लगती है। ब्राह्मण कहता है आप हमारे घर चलो। माताजी ने जान लिया कि ये तो भगवान विष्णु ने ही इनको बताया है, इसी वजह से ब्राह्मण ऐसा कह रहे हैं। माताजी उनके घर गईं और घर में जाकर के
दूसरे दिन ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को अपने जब घर पे बुलाया और घर पे गई तो घर पे जा कर के माता जी बैठी और ब्राह्मण की बात सुन कर के लक्ष्मी समझ गई कि यह बात विष्णु ने ही इस ब्राह्मण को बताई है। तब तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने का सलाह दिया, महालक्ष्मी का व्रत करो जिससे तुम्हारे यहाँ पर लक्ष्मी की अटूट कृपा, अपार कृपा तुम्हारे यहाँ पर होगी। ब्राह्मण ने माँ महालक्ष्मी का पूजन किया और 16 दिन तक लक्ष्मी जी की पूजा वह ब्राह्मण करता रहा। यह पूजा 16 दिनों तक ही करनी चाहिए। और फिर चंद्रमा को अर्घ दे करके उसने अपना व्रत खोला और ब्राह्मण ने सारा कार्य माता जी की प्रसन्नता के लिए किया और माता प्रसन्न हो गई। और जब प्रसन्न हो गई तो उसको समस्त प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। ऐसी माता सभी के ऊपर कृपा करें। यह माँ महालक्ष्मी का पूजन सभी लोगों को विधि विधान से करना चाहिए और पूजन में विशेष करके मेवे का और मिठाई का भोग लगा करके 16 गांठ का गंठा 16 दिनों तक बांधना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।